हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में पांचवें दौर के लिए आज धुआंधार प्रचार का दिन है और इस वक्त दार्जिलिंग में गृहमंत्री अमित शाह एक रैली कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वही का वही रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं, एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर दें। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती, 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। दार्जिलिंग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है, एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय है। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा देश में, जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। देश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है, सूची बनती है, देश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है, देश के लिए वफादारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है, भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है, तो वो सूची में प्रथम पंक्ति में मेरा गोरखा जवान होता है। मित्रों, गोरखा जवान। हाय, I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।